हेलो संगीता जी, जय जिनेंद्र। सादगी और सौम्यता का प्रतीक, ओजस्वी वक्ता और प्रेम से भरपूर उनका व्यक्तित्व, अद्भुत भाषण कला और अद्भुत विचारों की स्पष्टता, आत्मविश्वास से भरपूर और साहस की प्रतिमूर्ति, ऐसे हमारे आदरणीय युवाचार्य शुभम जी महाराज, जिनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज सब यहाँ उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा साध्वी श्री संघमित्रा जी महाराज से कि वे नवकार मंत्र से श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ करें। प्लीज अनम्यूट करें। माई डीपेस्ट रिगार्ड्स टू परम आदरणीय पूज्य ताई माँ, टू ऑल द डिवाइन सोल्स प्रेजेंट एंड जय जिनेन्द्र टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग अ लाइफ ऑफ अ लिविंग एंजल हु टच्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स अक्रॉस द वर्ल्ड through the purity of her sadhana, her humility, her simplicity, her love for nature and animals, and above all, her dedication towards her guru, Jinshasan, and humanity. She lived to love and laugh. She lived to give and forgive. She lived to touch lives through her spiritual love. And she lived to spread the word of the Lord. Today we pray for this beautiful, wonderful, divine soul, Yuvacharya Sadhvi Shri Shubham Ji Maharaj, who lived amongst us like a gentle, fragrant breeze, who lived amongst us like pure raindrops from above, who lived amongst us like a beautiful smiling kite, soaring higher and higher in the spiritual sky. We pray for blessings. We pray for peace. Om Namo Arahantanam Namo Siddhanam Namo Ayaryanam Namo Achayanam Namo Loye Savasahunam Eso Panchanamo Karo Savabhava Panasanam Mangalanam Chasavesim Padhamam Havai Mangalam Padhamam Havai Mangalam Vishwavyapita Mohinasti Taranir Balopi Kalpankuro Daridrani Gajavalim Hari Shishu काष्ठानि वह्ने कण पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिवहम् यद्वत् तथा ते विभो मूर्ति स्फूर्तिमति सति त्रिजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा ॐ
शांति शांति शांति। आगे बढ़ते ही मैं गच्छाधिपति पूज्य आचार्य मणिप्रभ सागर जी दो तारीख को जब युवाचार्य श्री शुभम जी के स्वर्गवास का समाचार हमें प्राप्त हुआ तो राजगृह की प्रतिष्ठा के अवसर पर सारी स्मृतियां ताजी हो उठी। युवाचार्य श्री शुभम जी, उनका स्वभाव, उनकी विद्वत्ता, उनकी सरलता और उनका शासन के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी चेतना के प्रति उनका समर्पण, उनका सद्भाव आज भी हमें याद आता है। जो निश्चल स्नेह के साथ जिस प्रकार वे कार्य करते थे, निश्चित रूप से उनकी स्मृतियां हमारे हृदय में, सभी के हृदय में सदा सदा के लिए रहेगी। और विशेष रूप से ताई महाराज आचार्य चंदना जी, जिन्होंने बचपन से उनको संवारा, पढ़ाया लिखाया, उनके हाथों में, उनकी गोद में वे बड़े हुए और उनके सामने उनकी विदाई, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत पीड़ाकारी है, वेदनाकारी है। ऐसे समय में उनके सद्गुणों का स्मरण करके और वीतराग परमात्मा के वचनों का स्मरण करके और कर्म योग की विचित्रता को स्मरण में रखते हुए हृदय में सभी धीरज धारण करें और उनके द्वारा संजोए गए सपनों को पूरा करने में आप सभी अपना खूब योगदान अर्पण करें। उनकी आत्मा के प्रति, दिवंगत आत्मा के प्रति सदगति की और शांति की प्रार्थना करते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार का उनका जीवन था साधना में और जिस प्रकार सरलता और स्वभाव में परम शांति का अनुभव प्रतिपल उनके जीवन में था, निश्चित रूप से उन्होंने परिणाम स्वरूप सदगति प्राप्त की होगी। अभी वे देवलोक में बैठे ये सारे अपने दृश्य निहार रहे होंगे। दिवंगत आत्मा के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सदगति शांति प्राप्त हो और विरायतन के कार्य जिस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ाए, बाकी सभी ताई महाराज के साथ उनकी सभी साध्वियां, वो सभी मिलकर विरायतन के कार्यों को, मानव सेवा के कार्यों को, शासन के कार्यों को, शिक्षा के कार्यों को और मानव सेवा से संबंधित समस्त कार्यों को और ज्यादा आगे बढ़ाने में पूरा योगदान अर्पण करें और वे देवलोक में बैठे अपनी ऊर्जा
विरायतन को प्रदान करें ताकि कार्य आगे ज्यादा से ज्यादा आगे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते रहें। यही अपने हृदय की हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। अत्यंत भावना के क्षणों में, भावपूर्ण क्षणों में हम हैं। जो सत्य स्वीकार नहीं होता, मन मानता नहीं है, ऐसे लगता है इस रास्ते से यहाँ बैठे थे, यहाँ चले हैं यही, और आज भी नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, पर ऐसे समय में साथी श्री शिला जी, साथी श्री मनस्वी जी एवं साथी श्री श्रुति प्रिया जी, ये तीनों ही उनके साथ में थे, उनके पास में थे, और अंतिम समय तक शिला जी के साथ में शुभम जी थे। उनके जो थोड़े से उस समय के जो अनुभव है, उस अंतिम समय के जो अनुभव है, उसकी जो बात है, मैं शिला जी से कहूँगी इस श्रद्धांजलि सभा के पूर्व वह संक्षेप में उस समय का उल्लेख लोगों के लिए करें। परम श्रद्धेय पूज्य युवाचार्य साधु श्री शुभम जी महाराज, परम श्रद्धेय ताई महाराज के अंतेवासी प्रियाति प्रिय शुभम जी, अद्वितीय अनूठे अनासक्त आनंदित शुभम जी, जिसका कोई जोड़ ना हो सके वो बेजोड़ शुभम जी। सब कह रहे हैं कि वो चले गए हैं, लेकिन मैं कह रही हूं कि वो जा नहीं सकते, वो कभी जा नहीं सकते। सैकड़ों हजारों दिलों में उनका प्रेम, उनकी मधुरता जीवंत है और हमेशा जीवंत रहेगी। उनकी यादों का अखूट खजाना चिरकाल तक प्रेरणा स्रोत रहेगा। ताई महाराज कहते हैं कि वो असंग सबके साथ में, लेकिन सबसे अलिप्त जल में खिले हुए कमल की तरह, बाउंडलेस कंपैशन एंड अनकंडीशनल लव और हर नेचुरल सिनोनिम्स। मैं थी उनके साथ में अंतिम समय में, जो अनुभव मुझे हुआ मैं शेयर करना चाहती हूं आप सबके साथ में। 31 दिसंबर की शाम दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुना आईसीयू में मैं साथी मनस्वी जी, श्रुति प्रिया जी, हम थे उनके साथ में। और शाम को मैंने पूछा शुभम जी से, मारवाड़ी में पूछा कि शुभम जी किसा हो आप, कैसे हो शुभम जी? चारों तरफ से उनके शरीर में ट्रीटमेंट के लिए पाइप्स थे, नली थी, हाथ बंधे हुए थे। और जब मैंने पूछा कि कैसे हो शुभम जी, तत्काल में जवाब था उनका, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। मैंने कहा व्हाट इज वंडरफुल शुभम जी? She said, whatever it is, but it is wonderful. It is absolutely wonderful. मैं देखती रही कि मैं सुनती रही कि मैं अवाक हो गई। No complaints, everything is wonderful. और उसके बाद उन्होंने कहा कि I'm seeing a new world. It's dazzling world, I'm seeing a new world. वो जब ये सब कह रहे थे
उनके चेहरे पर जो शांति, उनके चेहरे पर प्रसन्नता, जैसे मेडिकल वर्ल्ड को उन्होंने बीट कर दिया था। मैंने पूछा, और किसको याद करते हो शुभम जी महाराज? मारवाड़ी में बोले, तैमरेज ने याद करो है। तैमरेज को याद करती हूँ। मैंने कहा, क्या याद करते हो? सकड़ो याद करो, सब कुछ याद करती हूँ। सब सुंदर है, सब सुंदर है, सब सुंदर है। अगले दिन सुबह हम वापस पहुंचे आईसीयू में। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग शुभम जी। उन्होंने कहा, यश लाभी जी, यश लाभी जी। और ये अंतिम शब्द थे उनके, उसके बाद में नहीं बोले वो। आईसीयू के बाहर में निकले तो उनके जो मेन डॉक्टर अभी भैया, डॉक्टर अभय फिरोदिया, विराटन के अध्यक्ष ने जो सब व्यवस्था की थी, डॉक्टर सचिन ने मुझे बुलाया और कहा कि योर साध्वी जी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी हैज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी आईक्यू, शी इज वेरी विजडमफुल साध्वी जी। इवन इफ यू वॉन्ट टू हाइड थिंग्स फ्रॉम हर, यू कैन नॉट हाइड थिंग्स फ्रॉम हर। उनको सब पता है कि आप उनका ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, उनका लिवर डैमेज है, एंड शी नोज एवरीथिंग। ताई महाराज और अभी भैया नहीं चाहते थे कि उनको बताया जाए कि उनका लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। अभी भैया का बहुत स्ट्रॉन्ग मत था कि ऐसा कहने से वो कभी हाँ नहीं करेंगे और वो संथारा की तरफ जाना चाहेंगे, कि जिन्होंने पूरी जीवन किसी को तकलीफ नहीं दी तो वो इस समय में अपने जीवन के लिए किसी और को तकलीफ दें, ऐसा शुभम जी महाराज सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन डॉक्टर सचिन ने कहा कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी नोज एवरीथिंग। उसके बाद उनको दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल से जुपिटर हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था होने वाली थी। उनका नेफ्यू पीयूष बलदोटा 4 बजे पुणे से आया। डॉक्टर्स ने कहा था कि इट्स अ डिफिकल्ट ट्रांसप्लांट, बट विद इन 24 or 48 hours वी विल ट्राई टू डू। 4 बजे पीयूष बलदोटा और उनकी माँ पुष्पा जी शुभम जी को मिलने के लिए गए, और वो क्या मिले उन्होंने देखा। और उसके बाद से जैसे उनका शरीर डिटोरिएट होने लगा, वो सूचना दे रहे थे कि मुझे नहीं करना है ये, भले लीवर डैमेज हो गया है, लीवर क्लियर हो गया है, लेकिन मुझे नहीं करना है ये। और 6 बजे डॉक्टर वैशाली और डॉक्टर पवन ने कहा कि थोड़ा मुश्किल है, उनका बीपी डाउन होने लगा, सेंटर लाइन लगाई गई, और जो भी व्यवस्था होती वो एक के बाद एक के बाद एक मशीन ऐड होती गई। और रात को 12 बजे हम लोग वहीं थे हॉस्पिटल में ही, डॉक्टर रात को 12 बजे वापस डॉक्टर पवन ने मुझे बुलाया और कहा कि साध्वी जी हैज़ वेरी लिटिल टाइम, मे बी 3 or 4 hours। मैंने तुरंत ताई महाराज को और विरायतन के अध्यक्ष श्री फिरोदिया जी को सूचना दी, और ताई महाराज ने, जिसको बचपन में हाथ से खिलाया, पास सुलाया, पढ़ाया, जीवन का निर्माण किया, और मैंने ताई महाराज को कहा कि समय नहीं है, अब संथारा देना होगा। और 12 बज के कुछ 3-4 मिनट पर ताई महाराज ने गजब समदा, गजब शांति और गजब स्थिरता से संथारा का पाठ युवाचार्य साध्वी श्री शुभम जी को सुनाया। मैं मोबाइल लेकर उनके पास में खड़ी रही, और उनके चेहरे पर, शुभम जी महाराज के चेहरे पर, जैसे पूज्यताई महाराज का एक एक शब्द वो ग्रहण कर रहे थे, जैसे पूज्यताई महाराज की एक एक बात, एक एक मंत्र, एक एक अर्थ उनके तक पहुंच रहे थे।
और जब ताई महाराज ने कहा चत्तारी शरणम पवच्चामि अरहंते शरणम पवच्चामि सिद्धे शरणम पवच्चामि साहू शरणम पवच्चामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवच्चामि, शुभम जी महाराज की आंख की कोर जैसे गीली हो गई और विदाई ली। उस समय 12 बजे वो संथरा हुआ और 6 बजे तक उनकी श्वास चलती रही। हम तीनों वही आईसीयू में खड़े रहे। परिवार के लोग एक के बाद एक उनका दर्शन करते रहे और 6:06 पर लोगस नमोत्थूरम आत्मसिद्धि और मंत्र के पाठ को सुनते सुनते अत्यंत शांति समाधि पूर्वक शुभम जी ने इस नश्वर देह का त्याग किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आगे की यात्रा शुभ हो, मंगल हो, दिव्य हो, सुंदर हो। शुभम जी महाराज लाफिंग बुद्धा के रूप में हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे। एक अंतरंग साथी, अंतरंग मित्र के रूप में थे मेरे लिए वो। और गुरुदेव कहते थे कि जब शुभम जी चलते हैं, जब शुभम जी हंसते हैं तो प्रकृति हंसती है, पेड़ पौधे नाचते हैं, पशु पक्षी झूमते हैं। और उनका यही संदेश हमारे लिए, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। शुभम जी अमर है, अमर रहेंगे। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रियंका जैन और भावेश दवे से कि वो एक छोटा सा भजन ले ले। तो टाइम लगेगा सबने आवाने जाने सत्वी जब तक आ जाते हैं। सत्वी शराबी जी ने उसके निकट के अनुभव भावपूर्ण और मैं क्या बताऊं कि शुभम जी एक इस पृथ्वी पर खिले हैं जिसने हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान दी है। एक ऐसी सुगंध बिखेरी है कि अनगिनत लोगों के जीवन में सुगंध भरती है। और मैं एक ही शब्द में कहूंगी कि 55 वर्ष तक बचपन से मेरे साथ रही है। एक भी घटना, एक भी शब्द जिसके कारण मुझे दुख हुआ हो, मैंने किसी उसी शब्द ऐसा कहा हो कि उसे दुख हुआ हो, एक इतना निश्चल भाव प्रवाह की तरह बता रहा जीवन। और वह एक ऐसी भाग्यशाली लड़की शुभम शुभम थी। कुछ भी काम करना है, बेधड़क वो निकल जाती थी और काम संलग्न हो जाती थी और काम पूर्ण होकर के लौटती थी। आज हम सब लोगों के लिए एक ऐसा समय कि शुभम जी के उन दिनों में
पुणे के दिनों में हॉस्पिटल के समय में डॉक्टर अभय फिरोदिया विराजन के प्रेसिडेंट जिस तरह से उन्होंने संभाला है, हमें यहाँ पे संभाला, वहाँ की स्थितियों को संभाला, वहाँ के हॉस्पिटल को संभाला, हॉस्पिटल की व्यवस्था को संभाला। मैं सोचती हूँ कि अभय फिरोदिया एक साथी संघ के एक अभिभावक के रूप में जैसे माँ बाप थे उसी प्रकार से उन्होंने इस समय हम सबको संभाला है। मैं उनका अंतकरण पूर्वक उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। डॉक्टर अजय ठक्कर इसी प्रकार से जिस तरह से जो कहा, जिस तरह से कहा, जिन डॉक्टरों के लिए कहा, जो व्यवस्था कर दी है, डॉक्टर अजय ठक्कर ने भी इसी तरह से विराजन की सेवा में अपना योगदान दिया है। विराजन के साथियों के लिए बराबर हमेशा हमेशा तत्पर रहे हैं किसी भी काम के लिए, विशेष करके पीयूष पंतुटा साथी शुभम जी की बड़ी बहन का बेटा, और जिस तरह से उसने उत्साह से अपने लीवर को शुभम जी को देने के लिए उसने तत्परता, और उसने यही कहा कि मेरी जिंदगी का ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं अपनी माँ और मासी मेरे लिए दो अलग नहीं है। उसने इतनी सुंदरता से अपना ऐसे ही पूरा का पूरा उसका परिवार मित्र है, और इसी तरह से उसके साथ निरंजना है, उनके सब बच्चे हैं, चारों के चारों बच्चे भी इसी तरह से सेवा में लगे रहे। डॉक्टर कटारिया, आशा कटारिया, और विशेष करके सज्जन भाई बोथरा, उनका मैं क्या कहूँ, संस्कार के समय आदेश की मिश्रा जी, विजयकांत कोठारी जी, और इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कि जिनके जिन्होंने अपने संपूर्ण सहयोग के लिए उन्होंने इसी तरह से साध्वी श्रुति जी, साध्वी शिलापी जी, साध्वी मनस्वी जी, और इसी तरह से श्रीमती सुरभि बेन और डॉक्टर उत्पल, ये बाहर से उन्होंने भी अपनी तरफ से सबको सेवा दी है। मैं ऐसे समय में उन सबका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ऐसे कठिन समय में उन्होंने जिस प्रेम से, जिस आत्मीयता से, जिस श्रद्धा से साथी शुभम जी के युवा चाचे साथी से शुभम जी की सेवा में सभी लोग तत्पर रहे हैं, जिन शासन की इस सेवा के लिए आप सब भाग्यशाली हैं, आपने बहुत बड़ा पुण्य उपार्जन किया है, और जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण स्मृतियाँ हम लोगों के जीवन के साथ जोड़ती हैं कि हमें कभी भी मौका मिल जाए इन सब लोगों के लिए कुछ करने का, तो मैं सोचती हूँ हम सब साथी जी सब उनके लिए खुशी से महसूस करेंगे। मैं आगे हैं, हाँ पिन कर दीजिए, अमोल शुरू कर दीजिए। जय जिनेन्द्र। सज्जनशील, संवेदनशील, संस्कारशील युवाचार्य शुभम जी महाराज खुद अस्त हो गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी रोशनी छोड़ गए जो सदियों तक हमें प्रज्वलित करती रहेगी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो वरिष्ठ भी था और सबको इष्ट भी था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कुशल संगठन करता था, प्रखर प्रवक्ता, सफल अभिवक्ता थे। उनका मुस्कुराता चेहरा, शांत आध्यात्मिक प्रभाव एवं उनका निस्वार्थ प्रेम पूर्ण जीवन हम कभी भूल नहीं सकते, हम कभी भूल नहीं सकते। उनके ही जीवन को संबोधित करते हुए जो हमेशा यही दर्शाता था कि जिन्होंने अपना जीवन हमेशा दूसरों के नाम कर दिया, वैसा ही एक छोटा सा भजन। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो रूप जीवन देता है। मधुबन
खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो मन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो मन के दीपक जलता चल। फूल मिले या हारे सच की राहों पे जलता चल। सच की राहों पे जलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दाम देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्यागे जीवन प्रीत दिलों में पलती रहे। प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। Thank you so much. Next, I would like to invite President of Virayatan, Shri Dr. Abhay Firodia ji. Thank you, Jamal. Pujya Acharya Chandana ji Maharaj, is sabha mein upasthit sabhi श्रमण साधु साध्वी और सभी श्रावक, इस सभा में हम युवाचार्य शुभम जी महाराज के आयुष्य का सार्थक जो उन्होंने किया उसके बारे में बात करने के लिए मिले हैं। विरायतन के तीन उद्देश्य है, साधना, सेवा और शिक्षा। मेरे दृष्टि में हरदम
शुभम जी महाराज ये साधना की प्रतीक रही है। उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी जो क्वालिटीज थी, अफेक्शन, सिंप्लिसिटी, रेनन्सिएशन, उस तरह से वो जी। अगर उनके जीवन का कोई संदेश है तो वो साधना का है, और काफी सारे लोगों ने उनके इस गुण के बारे में, उनके आयुष्य के बारे में कहा है और आगे कहेंगे भी। तो मैं उनके जीवन के संदेश के बारे में नहीं बोलूंगा, मुझे उनके जीवन के जीवन का जो मैसेज है, जो संदेश है वो दिखता है, पर मुझे उनके चले जाने में भी हमारे लिए एक सबक है, एक संदेश है, ऐसा मैं मानता हूं। उनकी अकाली मृत्यु क्यों हुई? वो हेल्दी थे, सशक्त थे, उन्होंने वर्षों तक जीना था, पर वो नहीं जी पाए। उनका शरीर एक बीमारी से ग्रस्त हो गया और उसमें से वो उभर नहीं पाए, उनका शरीर उभर नहीं पाया। और ये क्यों हुआ? राजगीर एक ऐसी जगह है जहां पे श्रद्धा, भावना, इतिहास, उन्यायी बहुत है, पर आधुनिक साधनों का बहुत बड़ा अभाव है। 30 वर्षों पूर्व जब वहां पे बड़ा आई हॉस्पिटल ताई महाराज ने बनाया, तो किसी को इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चलेगा, लाखों लाखों लोगों की सेवा करेगा और उस शहर के लिए, वहां की जनता के लिए एक वरदान होगा। आज अगर आप देखो तो उस पूरे इलाके में, नालंदा जिले में, किसी भी प्रकार की आधुनिक वैद्यकीय सुख सुविधा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वीरायतन का जो सेवा का कार्य है, उसके लिए शुभम जी महाराज का ये संदेश है कि इसके लिए, इस सेवा के कार्य में हमें इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि वीरायतन सक्षमता से इस बारे में आगे बढ़ेगा, तो हमें वहां पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर, मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर बनाना चाहिए, जिसके अंदर MRI, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, मॉडरेट कार्डियक वगैरह सब प्रकार की लेबोरेटरीज रहे। मैंने कुछ मेरे डॉक्टर मित्रों से गत 2-3 दिनों में बात की है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे इस प्रकार का डायग्नोस्टिक सेंटर बना पाएंगे। उसमें करीबन 15 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, $2 मिलियन, ये सब चीजें हम वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। एक अच्छी छोटी बिल्डिंग, एयर कंडीशन बिल्डिंग, और सैकड़ों लोगों को रोज का डायग्नोसिस करने के लिए हम वहाँ सक्षम बन सकते हैं। ये डायग्नोसिस जो होगा वो आज के मॉडर्न टेलीमेडिसिन बेसिस पे होगा, मतलब कि उस व्यक्ति को चेक वहां किया जाएगा, उसका MRI वहां होगा, उसका ब्लड और बाकी एग्जामिनेशन वहां होगा, पर उसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इंटरनेट से एक स्पेशल सेंटर में आएंगे, तात्काल आएंगे, इंस्टेंटली आएंगे। और उस सेंटर में, शायद वो सेंटर पूना में बने
चाहे बंबई में बने, उस सेंटर में 7-8 सक्षम डॉक्टर होंगे, जो डॉक्टर किसी भी रेडियोलॉजी सेंटर में रहते हैं, किसी भी पैथोलॉजी सेंटर में रहते हैं, और उनकी अवेलेबिलिटी ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, ये हम कर सकते हैं। वो डॉक्टर निदान करके, डायग्नोसिस करके, और जितने जल्दी हो सके कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में अपना निदान, सक्षम निदान, एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, जो जिस व्यक्ति की एग्जामिनेशन हुई है उसको मिल सकता है। इसके साथ साथ ये जो सेंटर बनेगा, उस सेंटर का कनेक्शन हिंदुस्तान भर के, दुनिया भर के डॉक्टर्स के साथ में रह सकता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो रिपोर्ट देखने से डॉक्टर को लगता है कि भाई ये किसी बड़े एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए, तो वो इमीडिएटली इंटरनेट से उस डॉक्टर के पास में, फिर चाहे वो टेक्सास अमेरिका में है या बॉम्बे में है या दिल्ली में है, पहुंचाया जा सकता है और उसका ओपिनियन भी लिया जा सकता है। ये बात आज की टेक्नोलॉजी के वजह से पॉसिबल है। जो खर्चा ऐसा सेंटर चलाने में आएगा वो खर्चा मैनेजेबल है। वीरायतन वो खर्चा कैसे मैनेज करना ये जानता है। आज जो आई हॉस्पिटल चला है, इतना बड़ा आई हॉस्पिटल, स्वयं पूर्ण है, अपने बलबूते पे खड़ा है। जो श्रद्धालु लोग हैं वो मदद करते हैं, जो डोनर्स हैं वो मदद करते हैं। ये मदद लेने में कोई हिचक नहीं है, इस मदद का स्वागत है, पर हॉस्पिटल अपने पैरों पे खड़ा रहना पसंद करता है और खड़ा है, और मैं ये मानता हूं कि डायग्नोस्टिक सेंटर भी इसी तरह से खड़ा हो सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं कि 5 साल लग जाएंगे बनाने में, ये साल भर के अंदर हो सकता है। तो मैं ताई महाराज से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोग इस प्रकार का एक सेंटर बनाने का सोचे, अगर उनकी आज्ञा होवे तो कुछ 3-4 सीनियर मेंबर्स जो वीरायतन के हैं, हम लोग बैठ के और इस बारे में आगे क्या करना इसका हम प्लान बना सकते हैं, और साल भर के अंदर ये कार्यान्वित हो सकता है। अगर हम ये कर पाए तो शुभम जी महाराज के आखिरी दिनों में जो दिक्कतें आई, उस प्रकार की दिक्कतें वहां की सारी जनता, क्योंकि ये दरवाजा हर एक के लिए खुला रहेगा, सबके लिए ये सुविधा वहां पे उपलब्ध हो सकती है, और बहुत बड़ी सेवा मानव जाति की इसके इस सेंटर के थ्रू हो सकती है। तो मेरा ये इस सभा में बहुत सिंपल कहना है कि उन शुभम जी महाराज के आयुष्य से हमने बहुत सीखा है, पर हम उनके चले जाने के जो कारण थे और जो घटनाएं घटी उस पर से भी कुछ सीखे, और वो मानव जाति के कल्याण के लिए हम अनुभव उसका वापर के हम आगे बढ़े। मैं मेरी वैयक्तिक ओर से शुभम जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत स्नेह दिया। वो युवाचार्य घोषित होने के बाद में कुछ महीनों तक पूना में रही। उनके एक संस्था का कार्यभाग कैसे देखना, इसके बारे में थोड़ा प्रशिक्षण भी मैंने ऑर्गेनाइज किया था, और मुझे ऐसा लगा कि कितने सज्जन सरल मन की ये व्यक्ति है। हर चीज जो उनके सामने आती है निरपेक्षता से देखती है और सीखने का प्रयत्न करती है, और उनके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, डायरेक्ट, हम्बल, एफेक्शनेट नेचर से जितने भी लोग उनको मिले बहुत प्रभावित हुए, और मुझे बहुत खुशी है कि उनके आयुष्य में मुझे भी उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, उनसे सीखने का अवसर मिला। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ।
नमस्कार, जय जिनेंद्र। अभी भैया इन्होंने जिस तरह से एक शब्दों की श्रद्धांजलि नहीं लेकिन उनके जीवन से एक तरह से एक जीवित प्रेरणा लेकर के मानव जाति के कल्याण के लिए वो जिए हैं और जाते जाते मानव जाति के कल्याण के लिए जो एक संदेश दे करके गए हैं, बस उस संदेश को मूर्त रूप देने का जो अभी भैया ने जो एक अपना सुंदर विचार, सुंदर भाव, सुंदर प्रस्तुति दी है, मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या होगी। शब्दों की श्रद्धांजलि की अपेक्षा से वास्तविक जीवन के कर्म की जो श्रद्धांजलि है वह महत्वपूर्ण है। हम सब अभिभाजन के इस सुझाव के प्रति अत्यंत अत्यंत आभारी हैं और यहाँ जितने भी उपस्थित काफ़ी हजार की संख्या में लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर भी पूरा राजगीर एक तरह से इकट्ठा है, सब लोग हैं यहाँ, भक्त सन्यासी हैं, जैन लोग हैं, सभी लोग हैं, बाहर के हैं, यहाँ के हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। उन सबको अभी आप इस प्रस्ताव के लिए सबकी तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें और मैं आगे कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साध्वी श्री अर्चना जी महाराज जो अहमदनगर से है, वे अपने भाव व्यक्त करें। आंधों के आवाज आ रही, हमारी आवाज आ रही, आवाज आ रही हमारी? हाँ आ रही है, आप प्लीज बोलिए। हम आंधों के फूल चढ़ा और आंख के बदला, सांसों का फर आर पुकारे, याद तो अमर है, एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा वो प्रभु का दर है। अतीत तब हम हो नदी थे, तब निकट से देखने का जिन्हें प्रसंग हमें क्या था, बहुत निकट हम साथ में रहे थे घोर नदी में, जब कई महाराज आते जाते, कई महाराज संतिक और महाराज से डेढ़ दो महीना लगभग हम साथ में रहे, और इतनी आत्मीयता से हम जुड़े, कई बार मिले भी, जिनको हमने निकट से देखा वो आज पूरे शरीर से गए, आत्मा से तो हमारी यादें सारी आज भी उत्तर होता जा है। कई महाराज से लेकर जिन्होंने श्रद्धा जगाई शुभम जी के लिए, जिन्होंने श्रद्धा जगाई वे ही आज श्रद्धांजलि दे, जिन्हें आज इस उम्र में अपने शिष्या की जरूरत थी आज वे अलग हो गए, ज्ञानी थे, जिन्होंने तई महाराज के पास, उपाध्याय जी महाराज के पास समय का सार सिखा, समय सार सीख कर अध्यात्म का रस पिया और अध्यात्म रस से जिया। कहते हैं कुछ लोग इस संसार में जाते वक्त पूरा जमीन गड़ जाते हैं, मिट्टी में गड़ जाते हैं, और चंद लोग ऐसे होते हैं मृत्यु के साथ गढ़ पर चढ़ जाते हैं, कुछ गढ़ जाते हैं कुछ चढ़ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो कभी न देखा था वो जमाने को दिखा दिया, जो कभी न देखा था वो जमाने को दिखा दिया, जो कभी न सुना था वो जमाने को सुना दिया, ऐसी अनूठी थी तेरी आत्मशांति और समान, इसने भी अद्भुत तेज देखा वो मस्तक झुका कर मस्तक झुका दिया। उन्होंने सारी उम्र गुरु मां के चरणों में, गुरु भगवत के चरणों में
अध्यात्म का रस पीते हुए भगवान महावीर का पहला संदेश जो है, चार परम दुर्लभ जो वाक्य है उसमें पहला जो इतना मजबूत मानव सत्तम मानवता, मानवता से जो धर्म प्रारंभ किया, जीवन के अंग को मानवता में ढालकर जिन्होंने भीतर में तो अध्यात्म में भीन हुए थे और बाहर में मानवता के कर्म किया करते थे, ऐसे चंद लोग ही होते हैं जो हरेक के दिल में बस जाते हैं। अधिकतर लोग दिलों से उतर जाते हैं, चंद लोग दिलों पर चढ़ जाते हैं। उसी में है हमारी शुभम जी महाराज। मैं बहुत उनके साथ साधना जी महाराज में जिंदगी में साथ रहने का प्रसंग आया और तब से हमारे हृदय से हृदय मिले थे, आत्मा हमारी अंत की याद एक दूसरे को मिलते हुए थे। आज उनकी याद और अतीत की बातें सामने आई, अतीत को देखकर वर्तमान में आदेश अलग ये फेल है, पर जो सत्य है उसे भुला गया नहीं, सत्य को स्वीकार ही करना पड़ता। कहते हैं जो फूटा है वो झरेगा, जो पक्का है वो फिरेगा और जो जन्मा है वो सही रहेगा। कुछ लोग मरते नहीं अमर हो जाते हैं, अधिक तो मरते ही चंद लोग अमर हो जाते हैं। उस अमरता की लिस्ट में हमारे खास महाराज युवाचार्य है, महाराज ने खूब खूब हर रस से भिन्न दिया, प्रेम के रस में, करुणा के रस में, ज्ञान के रस में, अध्यात्म के रस में, इन्हें भिगो भिगो आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रमणी प्रतिभा जी प्रज्ञा जैन विश्व भारती लंदन से। आपसे निमंत्रण, आपको आमंत्रण किया जा रहा है कि आप आए और आपके भाव व्यक्त करें। लोग बहुत सारे हैं, यादें बहुत है और भावनाएं भी बहुत सारी है, परंतु समय जो है वो सीमित है। आप सबसे नम्र निवेदन है कि समय की मर्यादा का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शमनी प्रतिभा प्रज्ञा जी, एक मिनट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जब तक श्रमणी जी आते हैं हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री पीयूष बलदोटा बैंगलोर से कि वे अपने भाव व्यक्त करें। पीयूष बलदोटा जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप यू कैन हियर मी ऑन परफेक्ट। As I have mentioned earlier also in my email to Abhayji and to some of the members, that Shubhamji was never, she was never a taker, she was only a giver. So Sadhvi Shubhamji was the happiest soul in life, as she was a universal giver and not a receiver. Whether it was adopting Diksha or being a child with children, showering immense love, feeding parrots and sparrows on the terrace of the hospital of Netra Jyoti Seva Mandiram, or talking to the patients in the hospital after Chetnaji, even she has taken up that really well, and giving them advice of how to have cleanliness and how to take care, also taking care of Taima's health, her medicines, her food, giving online education through webinars, and imparting education in Sanskrit all over the world to people. She has been most pious person who would never entertain gossips nor hurt anyone, and was never proud of her knowledge. She was a Marasab in a true sense, who didn't want anything commercial or materialistic from this world,
not even the Yuvacharya post. She has given away everything, and this is a grave loss for all of us. In spite of all the efforts by all of us to revive her, she has departed with a simple smile behind. I'm really proud of her. I can you know, relate one small incident where I had been to this Jupiter Hospital. I had needles on my left hand and right hand. It was really very painful. I can imagine what kind of pain she must have gone through. My Shraddhanjali to her. सबके प्रति बहुत भाव से कृतज्ञता से उसने जो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात है कि उनके पिता ने विराजन को जमीन दी है और उनका पिता अपने जीवन का एक अंश दान दे रहा है, देने का उसे संकल्प किया, तो हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। और इतने अच्छे नई पीढ़ी के लोग मानव जाति के लिए निश्चित रूप से भविष्य में भी हमेशा अच्छा काम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आईपीपीआर के प्रस्ताव के बाद में कनाडा से महासुबई काठानी, उन्होंने अपने तरफ से भावना व्यक्त की है कि जो भी कुछ काम इस मानव जाति के कल्याण के लिए होगा वे उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसी तरह से यूएसए से सुभाष प्रतिखारा, उन्होंने भी अपनी भावना व्यक्त की है कि इस काम के लिए जो भी उनका सहयोग अपेक्षित होगा वे आपके साथ हैं। और कितने ही लोगों ने प्रवीण पटेल टेनेसी से, अमेरिका से, उन्होंने भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं, और मैं बाद में फिर सूचित कर रही हूँ कि किन किन लोगों ने आपको अपने अभिभैया के इस काम में सहयोग देने का आश्वासन दिया। उसके बाद मैं बात में करूंगी। कौन बोल रहा है? हमारे बीच बहुत खुशी की बात है कि पिछले बिहार में विराजमान है, यद्यपि जैन समाज का बहुत कम लोग यहाँ पे है, पर 70 से विराजन की स्थापना हुई है। 73 18 जून से यहाँ पे काम प्रारंभ हुआ है, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि अनेक अनेक लोग विराजन के साथ में अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से विराजन को सपोर्ट जिन लोगों ने दिया है, उन लोगों का मैं क्या उल्लेख करूँ। शबन जी मिनिस्टर नालंदा, नालंदा के विधायक, नालंदा से विधायक चुने गए हैं, आज की गवर्नमेंट में है, यहाँ की सरकार में है, और विरायतन के प्रत्येक प्रवृत्ति, विरायतन के प्रत्येक कार्यक्रम इतने उत्साह से, इतनी श्रद्धा से और इतना प्रेम से। और सचमुच में श्रवण जी, मैं तो कहूँगी कि पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। देखो विरायतन किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, जो भी अच्छा काम करता है उसका आप छोड़ दीजिए। और जो हमारे विराजन के माननीय अध्यक्ष साहब ने जो एक सुझाव प्रस्तुत किया है, आप उस काम में अच्छी तरह से लग जाए कि इस काम को अच्छे से अच्छे काम करके, सेवा दे करके बिहार की जनता की सेवा करनी है। यह ऐसा सुंदर कार्य क्षेत्र, ये पॉलिटिक्स की तो उठा पटक की सब कुछ है ही नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा प्रभु का मार्ग मानव जाति के कल्याण के लिए। आज इतने वर्ष, 48 वर्ष हो गए यहाँ काम कर रहे, हर दिन आगे से आगे बढ़ते गए, और कोई उठा पटक यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। एक विशुद्ध काम की दृष्टि से लाखों लोगों की सेवा में विरायतन लगातार रहा है। अब साधु बन जाइए, बस हो गया ये मिनिस्ट्री और पॉलिटिक्स का चक्कर, आ जाइए, इससे अच्छा मार्ग आपके लिए नहीं है। आप अपनी भावना व्यक्त करेंगे थोड़े शब्दों। श्रद्धांजलि सभा के इस कार्यक्रम में विरायतन के आचार्य
श्री माताजी चंदना माताजी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साध्वीगण बौद्ध धर्म और सनातन धर्म और जैन धर्म के सभी उपस्थित अनुयायीगण, देश और बिहार और भारत और भारत के अलावे अन्य देशों में से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग बहुत ही मर्माहत हैं, दुखी हैं कि हमारे बीच से युवा आचार्य स्वयं जी महाराज का अचानक चला जाना हम सब लोगों के लिए दुखदाई है। उन्होंने इस विरायतन परिवार के लिए विरायतन में रह करके जो यहाँ की खिदमत किया, सेवा किया, उन्होंने जो काम किया यहाँ पर, वो अपने लिए नहीं किया, उन्होंने लोगों के लिए किया और खास करके उनके लिए किया जिनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। गरीबों के लिए किया, जिनका कोई सहारा नहीं था उनके लिए किया, और मैं समझता हूं कि शुभम जी महाराज का याद हम सब लोग करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक सूरज और चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। और जो गरीबों का जो उन्होंने खिदमत किया है, सेवा किया है, सब लोगों की तरफ से, बिहार की तरफ से और बिहार की जनता के तरफ से, बिहार की सरकार के तरफ से, नालंदा वासियों के तरफ से, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मुझे विश्वास और भरोसा है कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रमण कुमार जी। आगे मैं बुलाना चाहूंगा श्रमण जी, आपकी उपस्थिति ने बिहार की जनता को ही नहीं लेकिन यहाँ लंदन, अफ्रीका, अमेरिका, 15 कंट्री के लोग आज की इस सभा में उपस्थित हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, और एक तरह से ये बिहार का संदेश, बिहार की जनता की तरफ से आपने जो दिया है, संदेश दिया, वह जैन समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। चंद्रदन देसाई जी भी बन गए, जी माशा। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साध्वी श्री प्रीति सुधा जी महाराज को कि वे अपने भाव 2 मिनट में व्यक्त करें। आपका ऑडियो बंद है महाराज साहब, आपका ऑडियो शुरू करें प्लीज। प्लीज अनम्यूट करें। 5 सेकंड दो खाली, नहीं तो ले लो। अच्छा, जब तक ऑडियो शुरू हो रहा है, ओके। हाँ बोलिए जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए। अरे आवाज जाहिर है अपना आवाज। हाँ जी, अब हम बोल रहे हैं, मजला जी आपके भाव 1 मिनट में व्यक्त करें प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, देखिए
पूना में ये समाचार वायरल हुआ और हम तो वहां के वहां खड़े रह गए कि हमारे मारा साहब इस तरह से आधी दुनिया देख करके चले जा सकते हैं क्या, विश्वास ही नहीं आया। पर आखिर विश्वास करना पड़ा। दूर न हो कोई कभी, वह उपाय है कौन, यही प्रश्न है विश्व में, यहाँ विश्व है मौन। दूर न हो कोई कभी, वह उपाय है कौन, यही प्रश्न है विश्व में, यहाँ विश्व है मौन। इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताजी खबर होगी तो एक ही है कि आदमी था और चला गया। जाने के बाद वापिस लौटने का कोई इंतजाम नहीं होता, जो इंतजाम होता है उसको हम पहचान नहीं सकते। ऐसी ये जबरदस्त दुनिया की कारीगरी है और इसमें हमारे शुभम जी का नंबर लग गया। ये बड़े दुख की बात है, हमें बहुत दुख हुआ, सबको ही दुख हुआ है। विरायतन परिवार की वो तो रीढ़ की हड्डी थी, बैकबोन थी, और न जाने कितने काम उसने किए थे और ताई महाराज के मन को पसंद आए ऐसा कितना ज्यादा काम हमारे शुभम जी ने किया था, देश में और विदेश में जाकर भी किया था। और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी वो, किसी का लिहाज नहीं रखती थी। ताई महाराज के आगे उसको कोई बड़ा नहीं था। ताई महाराज की भावना को पूरा करना यही उनका अपना एक ध्येय था और उस ध्येय पूर्ति के लिए उन्होंने चाहे जितनी मेहनत ली है, चाहे जितना परिश्रम किया है और चाहे जितना समर्पण किया है। ऐसा हीरा जब हम में से गायब हो जाता है तो अपने आप आहत ये हृदय हो ही जाता है। विरायतन परिवार तो बहुत ज्यादा दुखी है, हम भी उनके साथ दुखी है, क्योंकि हम वहां 10 महीने रह के आए हैं और सभी के स्वभाव को जान करके आए हैं। हमारे शुभम जी महाराज ने हमेशा हमको सहयोगी दिया है, सपोर्ट ही किया है, मीठी बातें ही बोली है, कभी हमसे कड़वाहट उन्होंने ली नहीं और हमेशा मीठा व्यवहार उनका रहा। वे आपको तो क्या, हमको भी बहुत याद आते रहेंगे। अभी तक दिल से वो बात गई नहीं है, शुभम जी नहीं रहे, शुभम जी सचमुच में चले गए, सच्चा ही नहीं लगता। पर अब करे क्या, सच मानना पड़ता है और उसके लिए बोलना पड़ता है। हमारे ताई महाराज ने जो मेहनत की है, खून पसीना एक किया है और एक इतिहास तैयार किया है, उसका कोई उसकी कोई जोड़ नहीं है, उसकी कोई तोड़ नहीं है। और ताई महाराज को सहयोग देने वाला हमारा विरायतन परिवार, हमारे अभय बाबू फिरोदिया और खास करके ताई महाराज बड़ा इंजन है, इंजन के पीछे सारे डब्बे चलते हैं। और इस तरह से ताई महाराज ने बड़ी हिम्मत से ये सारा काम किया है, बिराने में जाकर के दुनिया बसाई है और दुनिया को हम देख के आए हैं। ऐसे अच्छे स्थान से हमारी एक साध्वी जब बीच में से गायब हो जाए तो आप ही बताएं कि क्या हाल होते होंगे सुनने वालों के। किंतु अब सुनना ही पड़ा है और सच मानना ही पड़ा है, हम भी सच मान ही रहे हैं। और ताई महाराज से हमने बात भी कर ली है, ताई महाराज का इतना मखमली हृदय है, इतना सिल्की उनका जीवन है और उसमें इतना जबरदस्त खरदरा ऐसा प्रसंग उनके जीवन में आया है। हम ताई महाराज के लिए प्रार्थना करते हैं, विरायतन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें हिम्मत दे इस बड़े संकट को पचाने की, इस बड़े संकट को सहन करने की हिम्मत सारे लोगों को मिले। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं अपनी भावना व्यक्त करते हुए यहाँ पर विराम ले रही हूँ। ओम शांति। नासिक में है हम लोग, यहाँ से हम भी पूरे संघाड़े की फोकस
जय 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 जिनेन्द्र मथेन वंदा मी टू टाइमा एंड सकल साध्वी संघ परम पूज्य श्रद्धे शुभम जी महाराज साहेब अ कर्म योगी एंड अ ज्ञान योगी इन ट्रू सेंस लिविंग बिहाइंड लेगेसी ऑफ ओवर 50 इयर्स ऑफ सेल्फलेसली इम्पार्टिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू फिलोसॉफी ऑफ विरायतन दैट इज seva, shiksha and sadhana. In last few days, Virayatan International Committee members received lots of emails and phone calls from all over the United States of America, describing how much Subhamji Maharaj Sahib has contributed to so many families in field of Jain religion and Jain values. To honor Subhamji Maharaj and as our true Sradhanjali, Virayatan International USA will definitely undertake a leadership role in starting a charitable activity which will highlight her legacy. Om Shanti. ये भी बोलता था तू भी बोलते और नाम बोला ना थे मुकेश तो रोके क्या बहन बोलते ट्री ऑफ पालीताना सुचेता दोषी अमोल प्लीज गो अहेड कैन यू हियर मी जय हाँ जी परम आदरणीय संतगण सन्मान्य सभा सादर प्रणाम व्हाइल्स्ट अ लॉट हैज ऑलरेडी बीन सेड No attempt to describe Shubhamji Maharaj's persona will be adequate. She was an experience, an epitome of religious practice. We, Rita Ben Shah of UK and myself, are indeed fortunate and truly blessed that we had the opportunity to work with her under the auspices of Virayatan Global to provide online Swadhyay classes a few years ago when Zoom was not popular. For Shubhamji Maharaj, Swadhyay was of utmost importance, the way to bring contemplation and awareness in our lives. She was willing to teach at any time, whether there was one student or 10, and gave us numerous untiring hours of learning. In particular, she helped me proofread the Gujarati reprint of Gurudev's Adhyatma Pravachan. The vastness and depth of her knowledge, not only in the Jain scriptures, but also in Buddhist and Vedic scriptures, was indeed commendable. However, despite her immense knowledge, she was extremely simple and humble, approachable at all times, undemanding, maintaining mourn for the better part, a soul that has not hurt anyone and left us richer with the example of the way she lived her life, embodying the Jain principles of keeping control on one's kashayas. She was ever smiling and happy. As Taima has often said, dharmik vyakti hamesha prasanna rehti hai. Shubhamji Maharaj was a true shramani who practiced dharma continually through her life, enriching all around her with her calm demeanor. Being in her presence was like experiencing the gentle, pure morning breeze. Her life and its beautiful aroma will be treasured always. A soul we will all celebrate and deeply miss daily and forever. An example to follow. Jai Chinendra.
श्री चंद्रवदन देसाई को कलकत्ता से, कृपया वे अपने भाव एक मिनट में व्यक्त करें। चंद्रवदन देसाई अमोल, ओके अमोल, कैन यू फाइंड श्री नवीन भाई संगराज का फ्रॉम जैन समाज लंदन। ओके नवीन भाई, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। प्लीज से समथिंग। A message, Mohan. Yes, perfect. Please go ahead. Yeah. Sure, Janendra. Pujya Acharya Ji, Samasta Sadhvi Sangh, respected ladies and gentlemen, Virayatan Parivar, at UK are deeply. Can you hear me? It's okay? Yes, yes. Loud and clear. Yeah. Jai Jinendra, everyone. Pujya Acharya Sri Maharaj, Samasta Sadhvi Sangh, respected ladies and gentlemen, Virayatan Parivar at UK are deeply shocked by sudden loss of our beloved Yuvacharya Param Pujya Subhamji Maharaj. In fact, all of UK Jain community feel very deeply the loss of Pujya Subhamji Maharaj. We are grateful to leaders of all major Jain organization and Jain community in UK to share this grief. Late Subhamji Maharaj visited UK in late 80s with Taima and then in 1995 to set up museum in Leicester. Lately, she came to UK in 2017 for Parivarshan in Northampton and then teaching sessions in London for 6 weeks. Her nature to give and share her extensive knowledge of Jainism inspired others to think deeply about invaluable teaching of Bhagwan Mahavir. Her teaching was always with great clarity and practical. We in UK benefited immensely from her teaching. Subhamji Maharaj was an amazing soul who showed love, compassion, and friendship to all with utmost humility. She touched so many lives and left behind an indelible impression on whoever she met. She transformed many lives around the world. Her wisdom, simplicity, and humility endear to everyone she met. We will certainly miss her. As per original name, Shobha, she was really a Shobha of Virayatan. She did a lot of projects at Virayatan during her short lifetime, following the footsteps of Taima, Seva, Siksha, and Sadhana. All these three principles were knitted in her life. Finally, she has taken Santaro as any true saint would end their life and left all of us on 2nd January 2021 at 6 a.m. for her further spiritual journey. All in all, Pujya Subhamji was a Sankit soul. That is my belief. We pray for her eternal peace and progress, for progress on the path of liberation. With best wishes, Jai Jinendra.
ऐसे फोटोग्राफ्स जिसमें एक तरह से अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। शुभम जी वे एक ऐसे व्यक्ति जब एक विरायतन यहाँ सुना सुनी भूमि वहां से वो आई और उसने लगातार लगातार अपना सारा जीवन इस विरायतन के लिए समर्पित किया, काम किया है। तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स, उसके बचपन के फोटोग्राफ्स, उसके जीवन के संबंधित फोटोग्राफ्स, उसने जो काम किया है, यद्यपि बहुत सारा बिखरा हुआ था, थोड़े से जो भी फोटोग्राफ्स मिले हैं वही फोटोग्राफ्स आपके समक्ष अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। चलो कर दीजिए।
ऐसे अनगिनत स्मृतियाँ अनगिनत लोगों के साथ में, जिनके जिनके साथ में जो स्मृतियाँ जिन लोगों ने भेजी हैं उसका अपना तो कोई संकलन नहीं, और इस तरह से यहाँ पर भी सब ग्रहों पर जो भी कुछ चित्र जिन्होंने भेजे वो अपने पास में आ सके हैं। लोकेश जी हैं तो लोकेश, हाँ, और अमर भारती चंद्रिका या अंक अमर भारती शुभम जी के श्रद्धांजलि विशेष अंक के रूप में प्रकाशित होगा। आज चूंकि समय सीमा के कारण सभी काफी 20 नाम और हैं जो अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पर समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अभी अपने उस कार्यक्रम को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करेंगे। और जो लोग भी जिन लोगों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है अमर भारती, और मैं अब सब लोगों से कहूँगी कि सबके यहाँ पे अमर भारती विशेषांक पहुँचा दिया जाएगा। जो लोग भी अमर भारती को मंगाना चाहते हैं वे अपने विरायतियों के साथ कॉन्टेक्ट कर ले जिससे अमर भारती उनके पास में पहुँच जाएगी। ऑनलाइन भी तो अपने कर सकते हैं ना जी, हाँ, अमर भारती को ऑनलाइन भी कर देंगे जिससे सभी के पास में पहुँच सकेगी। तो मैं सचिन भाई नहीं बोलना रहे, अच्छा डागा जी बोलेंगे, ब्रैथन के सेक्रेटरी डागा जी बोलेंगे। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री तनसुख राज डागा सेक्रेटरी विरायतन के कि वे अपने भाव व्यक्त करें। डागा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए जी। परम पूज्य आचार्य श्री जी, वंदनीय साधिवृंद, आदरणीय भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। परम विदुषी युवाचार्य साध्वी श्री शुभम जी महाराज के अकस्मात निर्वाण से विरातन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जैन समाज के लिए महान क्षति है जिसकी पूर्ति भविष्य में होनी असंभव है। करीब 3 दशक तक विरातन के विचारधारा को यूएसए व दुनिया के अनेक देशों में उन्होंने पहुंचाया। वो महान संत थे, मुझे 4 दशक तक उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। भाई महाराज की परंपरा को कायम करते हुए बराबर एनजीएसएम में रोगियों को नैतिक शिक्षा का पाठ वो बराबर पढ़ाते रहे। जब कच्छ में भूकंप आया तो आचार्य श्री की आज्ञा से वो दल बल के साथ राजकोट रहते हुए कच्छ पधार गए। शुभम जी महाराज के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से उनकी महान आत्मा को शांति उच्च गति प्रदान कर ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ऐसी साध्वियाँ बहुत बिरली होती है और वो तो बच्चों के साथ उनका ऐसा ही उनका मन था, सबसे प्रेम। आज 2 दिन में कम से कम 50 से 100 टेलीफोन सारे दुनिया से उनके लिए आए। सब लोग बहुत ही दुखी थे, कुछ लोग बोले ऐसे क्यों हो गया, प्रकृति भविष्य को भगवान को ही मंजूर था। मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जैन आगरा से निवेदन है कि आप अपने भाव 1 मिनट में व्यक्त करें। श्री प्रेम जैन आगरा से। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विजय भटेवरा जी को जो पूना जैन संघ के अध्यक्ष है। श्री विजय विजयकांत कोठारी या आदेश की मुसरा, किसी को आदेश की मुसरा, आदेश आदेश खेवसरा,
नहीं श्री ऋखभ चंद जी जैन सभी लोग अपनी तरफ से आज के इस श्रद्धांजलि के इस आयोजन में देश विदेश सैकड़ों लोग सम्मिलित हैं। शुभम जी ने एक ऐसा जीवन, ऐसा सुंदर जीवन, असंग जीवन, सबको साथ में समेट करके भी असंग जीवन, और ऐसा जीवन जो कहा जा सकता है कि निकट में रह करके भी जिन्हें नहीं पहचाना जा सकता, इस प्रकार का जीवन, लेकिन जो दूर चले गए हैं तो उनकी अच्छाइयां और मुखर होकर के जिसे सामने आ रही है। कभी भी उन्होंने अपनी जिंदगी में एक छोटा सा भी प्रश्न खड़ा किया हो, ये ठीक नहीं है या ऐसा क्यों है, चाहे जिस प्रकार की परिस्थितियां हो, आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय शुरुआत में यहाँ पे आए थे पूरा का पूरा विराम जंगल, लेकिन उस समय में एक 13 साल की लड़की, और उस 13 साल की लड़की ने विरायत करके किसी भी काम को करना है तो उसने कभी भी अपनी तत्परता को कम नहीं किया, उसने काम किया है। 15 साल की लड़की, उस 15 साल की उम्र में उसको बाहर में दूर तक हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में उसे प्रचार के लिए, विरायतन के प्रचार के लिए भेजा, जबकि वो राजगीर में भी नहीं था। ऐसे समय में दूर दूर जाकर के उसने विरायतन के लिए काम किया, अवधान किए, जगह 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 जाकर के राजकोट में, गुजरात में हो, मद्रास में हो, महाराष्ट्र में हो, अनेक जगह जाकर के उसने विरायतन बालिका संघ की साथ, अपने साथी निर्मला जी और बहुत सारे साथियों के साथ में उसने काम किया। तो मतलब एक तरह से 13 वर्ष की उम्र से ही उसने विरायतन के साथ में अपना जीवन, और आज भी मात्र 64 ईयर्स, मुझसे 20 साल छोटी, मैंने उसको अपने पास में जैसे एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटे से बालक की तरह, और इतना प्रेम के साथ में, इतने प्रेम के साथ में उसने पढ़ाई भी की, काम भी किया, और साधना में जीवन भी जिया। एक भी छोटी सी शिकायत मेरी जिंदगी में नहीं है कि मैंने उसके लिए कुछ कहा हो। ऐसा निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप जीवन, इतना भोला जीवन, जैसे ऐसे लगता है कि ऐसा भी जीवन हो सकता है क्या, ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है, इतना अप्रतिम अनुपम जीवन। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब युवाचार्य पद की चर्चा हुई तो विशेष करके अभी भैया का भी चुनाव, मैं सोचती हूँ कि उनकी प्राज्ञ दृष्टि किसी योग्य व्यक्ति के निर्णय करने में कितनी सक्षम है कि उन्होंने शुभम जी का चुनाव किया कि वह एक ऐसी व्यक्ति है जो सबके साथ है और किसी के साथ नहीं है, सबको जोड़ सकती है पर खुद किसी के साथ में बंधन में नहीं आ सकती, इस प्रकार का उसका व्यापक व्यक्तित्व, और इस तरह से जी भी विरायतन के प्रत्येक व्यक्ति शुभम जी की उसकी भावना से, उसके विचारों से सहमत था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उसने जीवन छोटा या बड़ा, लंबा या चौड़ा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन को जिसने वास्तविकता से जिया है, जो अच्छी तरह से जिसने जीवन जिया है, उसने यशस्वी जीवन जी करके हम सबके लिए एक ऐसी प्रेरणा दी है कि हजारों हजारों व्यक्ति का एक वो श्रद्धा का आधार बना है, और कितनी बड़ी खुशी की बात है कि उसकी, उसको याद कर सके, यहाँ की जनता याद कर सके, यहाँ के स्थानीय लोग याद कर सके, उनके लिए उपयोगी बन सके, इस तरह से सामाजिक कार्य करने का। यहाँ पे पशुओं के लिए उसको प्रेम था, पक्षियों के लिए प्रेम था, मनुष्यों के लिए प्रेम था, प्रकृति से प्रेम था, तो उसको जिस जिस मनुष्य से प्रेम था उन सारी किसी न किसी तरह से उसकी स्मृति बराबर सजीव रहे, इस तरह से विरायतन निरंतर काम करता रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी है, बस समापन है। हाँ,
तो मैं हाँ आगे मैं बुलाना चाहूंगा श्री विजय भंडारी जी को पूना जैन संघ से। विजय जी के बाद निरंजना महेंद्र चुत्तर जी है, आप प्लीज रेडी रहे और विजय जी प्लीज अनम्यूट करें। विजय भंडारी विराजमान भी आ चुके हैं। कुछ नेटवर्क इशू है विजय जी के यहाँ पे, आप निरंजना महेंद्र जी को ले लीजिए अभी। जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, लाउड एंड क्लियर बोलिए। या पूज्य युवाचार्य शिवमुनि जी महाराज साहब, के न रहने से जो क्षति पहुंची है वो सही मायने में समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। एक लाफिंग बुद्धा ऐसा व्यक्तिमत्व जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सारे जीवन को परिवर्तित किया, बहुत सारे लोगों की सोच को परिवर्तित किया। ताई महाराज साहब के हमेशा एक निकटवर्तीय रहने के साथ साथ समाज के अंदर उनका एक अलग सा बंधन था, एक अलग सा गठन था। पूना के अंदर वो ठीक, बहुत ही बढ़िया ठीक होने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन कुछ कारणवश वो ठीक नहीं हो पाए और उन्हें यहाँ से त्यागना पड़ा। मैं पूना के सभी संघों की तरफ से, जीतो परिवार की तरफ से उन्हें विशेष तौर के ऊपर श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और उनके कार्य इसी तरह से चलते रहे यह अपेक्षा करता हूँ। जय आनंद, जय महावीर। हाँ बोलिए। शुभम जी महाराज के परिवार से निरंजना जी और महेंद्र जी। जय जिनेंद्र। जय जी, मेरी आवाज आ रही? जय जिनेंद्र, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलिए। ठीक, सौरभ विरायतन की चुत्तर परिवार के नन्हे परे ने किया बड़ा कमाल। गुरुचरणों की चाहत बड़ी उम्र थी सिर्फ 10 साल। माता धापीबाई एवं पिता संपतलाल जी की राजदुलारी, पुष्पा जी, महेंद्र जी, चंद्रकांत जी की बहना थी ये प्यारी। छोटी उम्र में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया शुरू। पूज्य आचार्य चंदना जी माताराम जैसे पाए सच्चे गुरु। ठान लिया था दीक्षा लेकर जिन शासन की करूँ सेवा, गुरु चरणों में बैठकर आगम का खवाया मेवा। शुभ दिन आया दीक्षा का, वो शोभा से बने शुभम जी। शांत स्वभाव, हस्मुख चेहरा, प्रतिभा में नई कमी जी। दिन ब दिन ख्याति पाई, गुरुनी माँ से आशीष मिला। दीक्षा ग्रहण से महाव्रतधारी का यौवन बिल्कुल खिला। सेवा, साधना, शिक्षा का हमेशा किया प्रचार। भगवान महावीर के सिद्धांत भी पहुंचाए समुन्दर पार। पंछियों की भाषा समझती थी आपको, आते थे आपके पास। निर्भय होकर दाना चुगते थे, आपसे जुड़ी थी रास। ज्ञानी ध्यानी आप श्री थे, आगम के विद्वान। माता राम जी ने चद्दर उड़ा के दिया युवाचार्य सम्मान। देश विदेश में प्रवचन देकर विरायतन का बढ़ाया मान। भक्तगण सारे दिल से करते हैं आपका गौरव गुणगान। चलते रहे आप यूं आगे बढ़ता गया कारवा। बातें सबसे मीठी करते थे, मिलती थी जैसे दवा। एक दिन मिले हमें समाचार, तबीयत हुई नासाज। ठीक होने का ढूंढने लगे हम भी कोई इलाज। विरायतन से पुनः पधारे, दवा का सिलसिला हुआ जारी।
आप श्री ने भी दर्द सहने की हृदय से की तैयारी। तबीयत बस बिगड़ती गई, चिंता हुई अपार। सोचा दिल ने कैसा होगा दुख से बेड़ा पर। आशा मामी ने साथ देकर बने, आशा मामी साथ रहकर बने सपोर्ट सिस्टम। धीर देते थे जब हमारी आंखें होती थी नम। श्रुति जी महर्षा ने सेवा करके निभाया बखूबी फर्ज। आप श्री को लगता था कैसे उतारू आपका कर्ज। डॉक्टर रामलाल जी मामा ने दुआ बनकर किया मसीहा का काम। ट्रांसप्लांट के लिए पीयूष ने खुशी से लिखवाया नाम। दिन वो काला 2 जनवरी मिली दुखद बात। युवाचार्य शुभम जी ने छोड़ा हम सबका साथ। नेत्रदान से कोई देख सकेगा हुआ बड़ा काज। युगो युग तक अमर रहेगा शुभम जी आपका नाम। अंत में भगवान से करते हैं दिल से एक फरियाद। अंत में भगवान से करते हैं दिल से एक फरियाद। किसी भी रूप में वापस भेजो शुभम जी को आप। किसी भी रूप में वापस भेजो शुभम जी को आप। यही चुत्तर परिवार की ओर से शुभम जी महाराज साहब को भावभीनी वंदना और साथ में श्रद्धांजलि। थैंक यू। बहुत ही सुंदर रचना निरंजना जी। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चंदना स्वाध्याय मंदिर कलकत्ता से मेहुली कामदार जी को। मेहुली कामदार अमूल आपसे निवेदन है कि एक मिनट। परम सत्य आचार्य ताई महाराज और समस्त और स्वामी जी भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। हमारे युवाचार्य शुभम जी महाराज जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज एवं परम श्रद्धे आचार्य श्री चन्ना जी महाराज के सानिध्य में न केवल जैन धर्म का अभ्यास किया बल्कि देश विदेशों में और खास तौर पर अमेरिका में कई वर्षों तक उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाया। विद्या व्यसनी विनयशील विवेकपूर्ण शासन के प्रति समर्पित अल्प एवं मृदुभाषी अविचल संकल्प एवं सरल जीवन शैली के धनी थे हमारे युवाचार्य शुभम जी महाराज। साधयति स्व परिकल्याणम आत्मकल्याण के साथ साथ जिन्होंने जन कल्याण की भी साधना की ऐसे थे हमारे युवाचार्य शुभम जी महाराज। अनगिनत व्यक्तियों ने उनके पास से ज्ञान प्राप्त किया। विरायतन का वे अनमोल रत्न थे। जैसा नाम वैसे ही उनके गुण शुभम जी अर्थात शुभ भाव में निरंतर रहने वाले और उनके लिए क्या कहे शब्दों से भी परे हैं उनके गुणों की गरिमा। भाव हमारे असीम है पर शब्दों की है सीमा। कर रूपी थाल में लिया है भावों का चंदन। उनकी पवित्र आत्मा को करते हैं हम कोटि कोटि वंदन। आज आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री बकुल भाई मस्कट जैन समाज से और उनके बाद योगेश दोषी दुबई से और मनोज डागा अमेरिका से। बकुल भाई मस्कट से। अच्छा योगेश भाई दोषी श्री योगेश दोषी दुबई जैन संघ। यस योगेश भाई प्लीज अनम्यूट एंड गो अहेड। मतेन वंदामी ताई मां ने पूज्य साध्वी जी गण दुबई
विरायतन परिवार अने दुबई जैन संघ नी तरफ थी युवाचार्य पूज्य शुभमजी महाराज ने श्रद्धांजलि अर्पण करिए छे। पूज्य गुरुदेव अमर मुनि जी महाराज अने आचार्य श्री चंद्रणाजी महाराज ताईमाना संस्थापितावा सुंदर बागान नो एक पुष्प अने एक अपना विरायतन परिवार नो अने जैन समाज ना सितारा नो आजे अस्त थयो छे। पण एमनी भावना अने एमनी बधाना हृदयमां वसेली छे। अने अमे दुबई जैन परिवार दुबई जैन समाज तरफथी हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करू छु। जय जिनेन्द्र। अमोल प्लीज लुक फॉर मनोज श्री मनोज डागा USA। मनोज जी आपका अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आगे हम आमंत्रित करते हैं श्रमणी प्रतिभा प्रज्ञा जी जैन विश्व भारती से JVB लंदन। लुक फॉर JVB लंदन, वी फॉर विरायतन, JVB। अमोल JVB जैन विश्व भारती जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। शमनी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना होगा वहां से। यस, हाँ परफेक्ट, बोलिए। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन, आचार्य श्री चंदना जी को भावपूर्ण नमन। कितना कठिन होता है अपनी शिष्या युवाचार्य को संथारा देना, तो आपने उसमें अध्यात्म मार्ग को सामने रखकर वह काम किया, तो आपको भावपूर्ण नमन। दूसरी बात कहूंगी कि श्रद्धांजलि सभी देते हैं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि विरायतन के अध्यक्ष श्री फिरोदिया जी ने जो कार्यांजलि की बात कही, वह केवल जैन समाज के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए, तो यह भी एक सेवा की दिशा में उठता हुआ सशक्त कदम होगा। डेट्रॉइट प्रतिष्ठा में मुझे लगभग एक सप्ताह के लिए युवाचारी शुभम जी के साथ रहने का अवसर मिला। जो डेडिकेशन था और जो साधर्मिक वात्सल्य, यानी कभी भी आहार के लिए पधारते कि आ जाओ प्रतिभा प्रज्ञा जी, समय हो गया है, सदा याद रखते थे, साथ रखते थे, तो वह मधुर बात भी मैं भूलती नहीं हूँ। और साथ में जैन विश्व भारती लंदन की तरफ से, जैन विश्व भारती इंडिया की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि विनयांजलि व्यक्त करती हूँ परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी। जब बिहार यात्रा पे थे और उस समय आचार्य श्री चन्ना जी लंदन विराज रहे थे, और आचार्य युवाचार्य श्री शुभम जी ने बखूबी से अपना कर्तव्य निभाया, दिल ही नहीं अपने पलक पावड़े बिछाकर परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत किया, तो मैं आज के इस अवसर पर उनकी आत्मा और अधिक आध्यात्मिक सदगति, आध्यात्मिक शिखरों का आरोहण करे पूरे शोक संतप्त विरायतन परिवार के प्रति भी मंगल कामना करती हूँ कि संत तो बसंत होते हैं, सबके मन को प्रसन्न ही करते हैं, वे जिए तो प्रसन्न और जाए तो भी आपको अपने काम की, अपनी सेवाओं की प्रसन्नता देके गए हैं। और साध्वी चंदना श्री जी महाराज,
सुखसाता में रहे समस्त वीरायतन साध्वी परिवार के प्रति सुख साता की मंगल कामना। ओम आर्य। अमोल, कैन वी हैव श्री मनोज डागा? अच्छा, जब तक मनोज भाई आ रहे हैं, हम कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही समर्पित भाव से श्रद्धांजलि दी है, और मैं उन लोगों का नाम यहाँ से लेना चाहूँगा। श्री जयंत भाई पूना, श्री प्रकाश कानूगो जी, श्री सुंदर जी भाई शाह, श्री अशोक सुराणा जी, श्री अचल जैन, श्री मोतीचंद जी डागा, श्री राजेंद्र सिंघवी, श्रीमती भावना शाह, श्री राजेश मेहता, श्री चंद्रवदन पंचमिया, श्री मदन बलदोटा जी, श्री कुंदनलाल खिवसरा, श्री नवीन सुचंती जी, श्री पंकज जैन, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती आशा कटारिया जी, डॉक्टर रामलाल कटारिया, श्री आलोक सिन्हा, श्री चंद्रकांत गोगरी, श्री रोहित भाई गढ़ा, श्रीमती वर्षा बाफना और डॉक्टर बिपिन दोषी, श्री दिलीप भाई मस्कट, आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अमोल श्री बकुल भाई मेहता मस्कट से। बकुल, हाँ, मिल गया जी। बकुल भाई, प्लीज अनम्यूट करें और अपने भाव एक मिनट में व्यक्त करें। जय जिनेंद्र। द एंटायर जैन कम्युनिटी स्टन इन लर्निंग दैट रूपम जी पास्ड अवे टू डेज बिफोर। वी इन मस्कत हैड वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विथ हर, and she has blessed Muscat for a number of years when she used to come for Paryushan to address the Jain community over here. So many things have been said about her, but there is never enough for a noble soul like Shubhamji. On behalf of Jain Sangh and on behalf of the entire community, I take this opportunity to express our sincere grief, and I'm sure that such a noble soul will always rest in peace. Jai Jinendra. Thank you. ये मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भरत भाई दोषी नैरोबी जैन समाज से। श्री भरत दोषी। सुगाल चंद जी, अच्छा मनोज भाई आ गए, मनोज भाई को पिन कर दीजिए। जी मनोज भाई, आपसे विनंती है कि आप आपके भाव दो मिनट में रखें। धन्यवाद। थैंक यू। साध्वी श्री शुभम जी had a deep, profound impact on everybody's life. जिन जिन के जीवन को उन्होंने छुआ है, उन सभी के जीवन को उन्होंने बहुत ही प्रभावित किया है। मैं तो बाकी सब विरायतन की साधवियों के साथ साथ मेरा बचपन उनके साथ खेलते हुए विरायतन के प्रांगण में गुजरा है। बहुत छोटा था तब से मैं उनको जानता था। हमारे जीवन के सभी प्रसंगों में वो हमारे साथ थी। मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई थी और जब मैंने पहली बार अठाई की थी, तो कलकत्ता के कमानी जैन भवन में
वो हर रोज मुझे भक्तांबर का पाठ सिखाती थी। आज अमेरिका में पिछले दो दिन से मेरे पास इतने सारे फोन आ रहे हैं और सबका एक यूनिफॉर्म मैसेज है कि किस तरह शुभम जी ने हर एक की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। इतनी सुंदर, इतनी सरल लाइफ, बहुत ही मोटिवेशनल लाइफ रही है उनकी। और हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि शुभम जी के लिए ये होगी अगर हम उनके जीवन की सरलता से कुछ सीख सकें। और आज जो अभय अंकल ने एक बहुत ही सुंदर सोच जो रखी है कि विरातन में एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोला जाए, उस डायग्नोस्टिक सेंटर को बनाने में हम सब संपूर्ण विश्व में जितनी ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सके, किसी प्रकार का भी सहयोग हो तन मन धन से, वो मेरे ख्याल से शुभम जी महाराज के लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। आचार्य श्री जी, आपने तो हम सबको बच्चों की तरह बड़ा किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शुभम जी नहीं रहते हुए भी हमारे जीवन में रहेंगी और हमको इसी तरह हमारे जीवन का निर्माण में हमें उत्साहित करती रहेंगी। जब तक भरत भाई दोषी आ रहे हैं, हम महेश भाई वाधेर का जो मैसेज आया है, जो श्रद्धांजलि, वो यहाँ से प्ले कर रहे हैं। महेश वाधेर प्रेसिडेंट है जैना के। Jain Samaj of the USA and Canada was shocked beyond belief hearing the news of you Acharya Sadhvi Shubhamji's passing. Over the years, Shubhamji visited most of the Jain centers and hundreds of homes. She may have left for heavenly abode, but she will live in the hearts of thousands of her followers who benefited from her teachings, wisdom, and serenity. It was amazing how much she cared for the families she came in contact with and even the names and details of everyone in the family. She will be greatly missed. On behalf of 150,000 Jains in North America, I send condolences to Virayatan Parivar. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Jinendra. दो ही नहीं है, भरत भाई ना पढ़ लिया, नॉट अ भरत भाई, ठीक है, मन लगे भी जी। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में बहुत सारे देश विदेश अनेक जगह से अनेक लोग उपस्थित और यहाँ पूरी राजगीर से लोग विराजमान के सब लोग उपस्थित हैं। यहाँ बौद्ध फिजिक रुचि के आप एक अपनी एक प्रार्थना
प्रार्थना निवेदन करता चाहिए। मनोज मोबाइल दे दीजिए। पब्लिक को दिखाई दे इस तरह से। मनोज फुल स्क्रीन कर, फुल स्क्रीन कर। फैजल है डॉक्टर फैजल है फैजल गुरु जी। और इसी तरह से पूज्य गुरुदेव के सभी से इस जापान जापान भक्ति का और विराधन का ऐसे लगता है हम सब एक हैं और इतनी प्रसन्नता के साथ में हर कार्यक्रम में विराधन के साथ ही जी उनके वहाँ होते और फिर से गुरु जी के शिष्य जापान को मापसो वे भी बराबर अपने यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। परंतु श्री तुमको बोलना ही है आज आप भी कहाँ गायब हो रहे हो आना है और छुप रहे हो कृष्ण की डॉक्टर पहले परदोषी बोल ले फिर राजगीर थोड़ी सी राजगीर की जनता की बात भी आपको सुनने में है तो थोड़ी सी राजगीर के कुछ लोग बोलेंगे उसके बाद फिर भरत। यस आई वी कैन हियर यू नाउ। आचार्य श्री जय जिनेन्द्र भरत एंड विनय फ्रॉम Virayatan Kenya are here. Shubham Ji Maharaj has been very personal and dear to us. She has been to Kenya severally. Her bubbly character, very jovial personality, really connected with all the youngsters in Kenya. And she's done tremendous swadhyays and lot of teaching for us. It is a very big loss for us personally, as well as for Virayatan. And Virayatan Kenya is deeply troubled by what has happened. I'm also sad to inform you that another pillar of Virayatan Kenya, Nilesh Bhai Doshi, is currently in hospital. He is critical and we are also praying for his getting well. From Kenya, our sincere condolences, and we will really miss Shubhamji Maharaj, who's very dear and very personal to each and every one of us here. And Acharyaji, we pray that you remain brave and continue leading us forward. Thank you. Jai Jinendra.
for Nilesh Bhai's speedy recovery. Next, I would like to invite Dr. Faisal from Rajgir. Jajinendra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي ईश्वर माता शुभम जी महाराज को हमेशा जिन्होंने अपने पूरे काल में बहुत ही अच्छा कार्य किया पूरी सेवा की आपके बंदों की खिदमत की आपके बंदों के लिए हमेशा अग्रसर रही आज हम उनके लिए आपसे उनके स्वर्ग में रहने की दुआ मांगता हूँ आपकी बारगाह में हमारे हाथ फैले हैं ईश्वर उनको जन्नत में जगह दीजिए उनको एक बुलंद मर्तबा अता कीजिए और उनको बख्शाइश अता कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया आज 50 वर्ष से विरातन के प्रारंभ से ही डॉक्टर फैजल और उनके पिताजी डॉक्टर इसरी पूज्य गुरुदेव के परम भक्त और बराबर उनकी सेवाएं विरातन के साथ में हैं और वो अपनी सेवाएं आज भी दे रहे हैं तो एक तरह से विरातन के लिए एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगी कि राजगीर एक ऐसे सैकड़ों लोगों को विरातन ने अपने साथ में जोड़ा है और किसे हम अपना कहें बस हर व्यक्ति अपना हो सकता है अपना बनाने की क्षमता हमें होनी चाहिए सैकड़ों लोग आज विरातन के साथ में जुड़े हुए यहाँ के लोग हैं तो डॉक्टर फैजल और इसी प्रकार से आलोक सिन्हा जी हाँ है बोलेंगे आलोक सिन्हा जी अमोल देखिए आलोक जी आलोक सिन्हा ठीक है अभी काफी समय हो गया है अब मैं सोचती हूँ इस कार्यक्रम को अपने यहीं पे विश्राम देते हैं और कंटिन्यू श्रद्धांजलि इसी प्रकार से आ रही है तो मैं अब सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि उनको अपनी तरफ से अमर भारती के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त होगा तो जो जो अपना नाम या अपना संदेश या अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं वे विरायतन पर अवश्य भेज दें तो उनको अमर भारती में बहुत सुंदरता से सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाएगा मैं एक तरह से विरायतन परिवार की तरफ से आप सबका जिन जिन लोगों ने अपनी अभिव्यक्तियाँ दी है और इतनी अच्छी तरह से सेवा की है और मैं विशेष करके अजय ठक्कर से भी कहूँगी कि वो अपने एक विशेष रूप से अपना संदेश विरायतन के लिए दे दें और उनकी सेवाएं भी विरायतन के लिए हमेशा हमेशा साथ रहेगी मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद दे रही हूँ और यह विरायतन का जो एक कार्य प्रारंभ होगा उसमें आप सबकी सहभागिता उसे और अधिक से अधिक सुगंधित रख सकेगी और मैं खास करके श्रवण जी से भी कह रही हूँ कि श्रवण जी आपके विरायतन में आपके राजगीर में आपके बिहार में बाहर के लोग कितना अपना सहयोग दे करके यहाँ की जनता के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो बिहार को भी इतना बड़ा बना दीजिए कि बिहार महावीर के युग का
बिहार, बुद्ध के युग का बिहार, सारी दुनिया में इसी प्रकार से प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता का एक तरह से एक महान संदेश समग्र मानव जाति को दे सके, उस बिहार को फिर से हमें इसी तरह से ऊपर लाने का प्रयत्न करना है। आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज फिर से उपाध्याय उपाचार्य शुभम जी को अंतकरण पूर्वक स्मरण करके, महापुरुष स्मरण करके, उसको हमेशा शब्दों में नहीं लेकिन अपनी भावनाओं में, बाहर में हम नहीं रख सकेंगे लेकिन अपने भीतर में उसको हमेशा हमेशा समा करके उनके सद्गुणों को हम अपने जीवन में उतारने की निरंतर कोशिश करेंगे। बस आज इस भाव के साथ में आज की इस श्रद्धांजलि सभा का हम विराम दे रहे हैं। मंगल पाठ मनोज लाइट भी कर देना बाकी। युवाचार्य साध्वी शुभम जी महाराज, इस दिव्यात्मा को चाहे युगो युगो, चाहे वर्षो वर्ष, चाहे महीनों महीनों, चाहे दिनों दिन, चाहे क्षण क्षण, दिव्यात्मा का स्पर्श पाया है। आज उन हर व्यक्ति, हर सदस्य, हर फूल, हर पत्ती श्रद्धानत होकर के, नतमस्तक होकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा है। इसी भावधारा में ये मंगलमय स्मृति मंगल पाठ। नमो अरंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वैच्छायानंग, नमो लोए समसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। गुरुदेव के अज्ञा चत्तारि मंगलम्, अरहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीपणतोतमो मंगलम्, चत्तारि लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवलीपणतोतमो लघुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। हम सब एक साथ दोहराते हैं, चत्तारि शरणम पवच्छामि, अरहंते शरणम पवच्छामि, सिद्धे शरणम पवच्छामि, साहु शरणम पवच्छामि, धम्मम शरणम पवच्छामि। अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेकर के जो मंगलमय यात्रा प्रारंभ की है उसके लिए आशीर्वाद बरस रहे हैं परमात्मा के, इस तीर्थ भूमि के और इस तीर्थ भूमि के प्रणेता परम पूज्य पूज्य महाराज, परम पूज्य गुरुदेव, पूज्य भाई महाराज, मासी जी, इन सब के आशीर्वाद के साथ में परम पूज्य आचार्य श्री ताईमा और हम सब सकल संघ श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि में नतमस्तक है।